आ जाते हैं अभी स्टार्टिंग से, देखते हैं क्या क्या दिए हमें क्वेश्चंस। कैसा था पहले के कंपैरिजन में? इजी था ये वाला, टफ था या बराबर वैसा ही? कैसा हो काफी आपका बेटा मानसी? सर मैथ्स वाला पोर्शन देना था, बाकी तो मैथ का था। मैथ्स का टफ था, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी था, ये कह रहे हो? Yes. इस वाले पेपर के साथ ऐसे ही था या सभी में ऐसे ही हो रहा है? इस वाले। अच्छा इस वाले। अच्छा मतलब कोई किसी में फिजिक्स टफ आ रहा है, किसी में केमिस्ट्री में, किसी में मैथ में, ऐसे हो रहा है? चलो ठीक है, करते हैं डिस्कस। ओके क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पढ़ू? फर्स्ट क्वेश्चन, मॉडल्स का कॉन्सेप्ट सभी को पता है यार कि मॉडल्स कैसे हटाया जाता है और कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस किस का हो गया था भाई? फर्स्ट क्वेश्चन अगर हैंड रेज कर दो जल्दी से, किस किस का नहीं हुआ था, जिनका नहीं हुआ था। ठीक है ठीक है, हैंड डाउन कर लो, कर ही रहा हूँ, डिस्कस ही कर रहा हूँ। ऐसे मैं देखना चाह रहा था कि कितने बच्चों ने कर लिया था, कितने बच्चों का नहीं हुआ था। ओके क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखते ही छोड़ दिया था, स्ट्राइक करा था अभी, ट्राई किया था, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, फिर छोड़ ही दिया है ना? नहीं सर, फिर मतलब जैसे ऐसे तीनों टर्म्स आ रही थी, बीच वाली टर्म में जीरो आ रही थी, लास्ट वाली फिर टू इंटू एक्स माइनस वन आ रही, पर टॉप वाली माइनस एक्स के बदले एक्स आ रही थी, तो उस वजह से नन ऑफ पीस लगा दिया है। चेक करते हैं। चलो हमें क्वेश्चन क्या क्या बना है, क्वेश्चन की बताओ मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। किसी के पास है क्वेश्चन पेपर भी? चलो मैं ही खोल लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन था ध्यान से सारे सुने के बेटा, पेपर पहले लेके बैठो, थोड़ा सा खुद भी थोड़ा सा लिखते जाना, हो सकता है मैं भी कुछ गड़बड़ कर दूं तो बता देना, मैंने कुछ मिस्टेक लिखने में गड़बड़ कर दिया, क्योंकि एक दो बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं तो पकड़ लेते हैं कि गड़बड़ हो गया। ऐसी सभी को भी ध्यान से फोकस होगी, ये नहीं कि सर बस बोलते जा रहे हैं। ओके फंक्शन एक एफ एक्स दिया हुआ है हमें कि भाई डिफाइंड ऑन माइनस टू से टू, और कुछ ऐसे गिवन है, माइनस वन है जब एक्स की वैल्यू भाई माइनस टू से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन जीरो है, और जीरो से बड़ी और इक्वल है और लेस देन टू है तो इक्वल टू टू, तो एक्स माइनस वन है। इस तरह से ब्रेक करके दिया हुआ है फंक्शन की डेफिनेशन। और फिर जी एक्स दिया हुआ है हमें जो कि इक्वल है एफ मॉड एक्स के प्लस एफ एक्स का भी मॉड, तो दोनों बातों में डिफरेंस है, एक में x का मॉड लिखा हुआ है और एक में एफ एक्स का ही मॉड दिया हुआ है, और ये बताना है क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए थे चार ऑप्शन, ऑप्शन भूल जाते हैं पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यार f मॉड x की वैल्यू बता दो मुझे, कैसे निकालोगे? या पहले मॉड x ही बता दो, चलो मॉड x कहां से कहां तक होगा भाई? जो x था वो कहां से कहां तक था? x बिलोंग करता था माइनस टू से टू तक, उसी पे फंक्शन डिफाइन है, तो एक्स की वैल्यू माइनस टू से टू ही लेनी है हमें, तो मॉड एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा? जीरो से टू हो जाएगा, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, और एफ मॉड एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा? एफ मॉड एक्स कैसे लिखा जाएगा? अब एफ मॉड एक्स में एफ एक्स में जाओगे पहले आप, है ना? अब मुझे सोच के बताना, जब हम एफ एक्स में जाएंगे, एफ एक्स की डेफिनेशन यहां पे गिवन है बेटा, देखो माइनस टू से जब एक्स की वैल्यू जीरो है, माइनस टू से जीरो तक एक्स की वैल्यू तो माइनस वन है, और जीरो से टू में एक्स माइनस वन है, तो x f अगर mod x लिख रहा हूं तो कैसे लिखूंगा? अगर f mod x की वैल्यू लिख रहे तो कैसे लिखेंगे, ब्रेक करके बताओ क्या आएगा भाई? हमने नोटिस करा कि हमारा जो mod x है, जो x वाला एलिमेंट है, वो तो अब 0 से 2 हो गया ना भाई, माइनस ऑफ x माइनस 1 नहीं, हमारा जो वैल्यू होगी वो तो सिर्फ यही आएगी ना, mod x माइनस वन सिर्फ ये आएगा ना, उसका रीजन क्योंकि मॉड x जो है वो सिर्फ 0 से 2 के बीच में है, तो यही वाली डेफिनेशन को कंसीडर करेगी ना, क्लियर है? यस सर। और इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ मॉड x माइनस वन आएगा। अच्छा, लेकिन अब मॉड x जो है उसमें x की वैल्यूज तो दोनों हो सकती है ना, तो अब इसको ब्रेक करके अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? जब x की वैल्यू आपकी माइनस टू से जीरो है, माइनस टू से जीरो, इसका मतलब मॉड x, मॉड हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे? माइनस x माइनस वन लिख देंगे, और जब x की वैल्यू जीरो से लेकर टू है तब क्या आएगा?
एक्स माइनस वन, ये क्लियर है भाई? इधर ही गड़बड़ हुई ना, वो कंफ्यूजिंग है ना, आराम से सोचो। देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि भाई जो एफ एक्स की डेफिनेशन गिवन थी उसमें एक्स माइनस टू से जीरो और जीरो से टू के लिए डिफाइंड था। जब एफ मॉड एक्स निकाला तो आपका इनपुट जो है वो मॉड एक्स है, तो अगर इनपुट अगर मॉड एक्स है तो अंदर कभी भी इनपुट की वैल्यू आपकी क्या आएगी, जीरो से टू के बीच में आएगी, कभी भी माइनस में तो जाएगी नहीं। हाँ, एक्स की वैल्यू आप कहोगे सर नेगेटिव ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ मॉड एक्स के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ। तो मॉड एक्स के अकॉर्डिंग जो इनपुट है वो जीरो से टू के बीच में होगा, तो ये वाली डेफिनेशन कंसिडर करेंगे सिर्फ। क्या लिखी हुई है वो, एक्स माइनस वन, और एक्स की जगह इनपुट आपका मॉड एक्स है तो सिर्फ मॉड एक्स माइनस वन आएगा। फिर आपने एक्स की वैल्यू को चेक करा कि एक्स की वैल्यू हम माइनस टू से जीरो भी ले सकते हैं और जीरो से टू भी ले सकते हैं, तो फिर हमने मॉड हटाकर इस तरह से फंक्शन को दोबारा डिफाइन कर दिया। आया समझ में? यस सर। तो मतलब ये थोड़ा सा क्रिटिकल चीजें हैं, मतलब समझ लो। अगर अभी भी आप कहोगे सर नहीं आए, मैं दोबारा स्टार्टिंग से बता दूंगा, क्योंकि ये चीज क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं दोबारा फंसोगे उसमें। क्लियर हो गया? यस सर। किसी को बेटा क्लियर नहीं है हैंड रेज कर लो, और कुछ बच्चे का माइक वर्क नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करके बेटा बता दो, अगर नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर हो गई? यस सर। चलो अब आ जाते हैं, ये तो हो गया, मतलब पहले वाला पार्ट तो हो गया, ये वाला पार्ट डन भाई। अब क्या करना है हमें, एफ एक्स का मॉड करना है। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स का भी मॉड करना है। कैसे करें भाई? एफ एक्स के मॉड में, एफ एक्स की जो डेफिनेशन थी उसमें माइनस वन लिखा था जब माइनस टू से जीरो के बीच में था, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। यस सर। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या लिखा था? फिर नेक्स्ट लिखा था जीरो से लेकर टू, जीरो से टू तक क्या वैल्यू गिवन है, जीरो से टू तक एक्स माइनस वन लिखा था। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर एफ एक्स को मैं मॉड में रख दूंगा और जीरो से लेकर कहां तक ले रहा हूं मैं, टू तक ले रहा हूं, तो अगर आपका एफ एक्स जीरो से टू के बीच में, तो अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन है तो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, वन, वन, वन आएगा। और वन पर भी यानी डेफिनेशन ब्रेक करनी पड़ेगी हमें, तो एक बार करेंगे जीरो से लेकर वन तक और एक बार करेंगे वन से लेकर टू तक। क्लियर है? यस सर। अब मुझे बता दो क्या लिखूं, अगर मैं इसके अंदर मॉड के अंदर x माइनस वन लिखता हूं, तो अगर मैं जीरो से वन तक कोई भी वैल्यू लेता हूं तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ना। यस सर, माइनस लेना। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस वन कर दूं, मतलब ऐसे लिख दूं, चलो ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं मॉड एफ एक्स की, और एफ एक्स में कौन सी वाली डेफिनेशन कंसिडर कर रहा हूँ, ऊपर वाले में माइनस वन का तो प्लस वन बन गया, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्स माइनस वन में एक्स जीरो से टू तक डिफाइंड था, और मॉड एक्स जो है, मॉड एफ एक्स जो होगा उसमें आएगा मॉड एक्स माइनस वन, तो एक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्रिटिकल पॉइंट वन भी आया, तो मैंने जीरो से वन पे भी अलग से लिख दिया, और वन से टू में तो पॉजिटिव ही आएगा, तो फिर नेगेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? यस सर। सभी को आया बेटा समझ में, कैसे ब्रेक करा मैंने डेफिनेशन? यस सर। तो बस हो गया। अब यार वो कंबाइन कर दो सब, क्या 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 कंबाइन करना है हमें, जी एक्स की वैल्यू बतानी थी, तो जी एक्स था क्या भाई, एफ मॉड एक्स था और प्लस का एफ एक्स का भी मॉड था। अब वही कंडीशन जो आई है अभी तक, क्या क्या है भाई, माइनस टू से जीरो, तो माइनस टू से जीरो में इसका आंसर वन आया, और पहले वाले का आंसर कितना था, माइनस वन, तो कितना आ जाएगा भाई, जीरो। ठीक है, पहली वाली डेफिनेशन में, अच्छा नहीं नहीं नहीं, एफ एक्स को नहीं देखना, एफ मॉड एक्स को देखना भाई, इसको देखना, सॉरी इस वाले को देखना है। तो इस वाले में अगर माइनस टू से जीरो लिया था हमने, तो एक माइनस एक्स माइनस वन आया था, इसका आंसर आया था माइनस एक्स माइनस वन, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आया वन, तो प्लस वन और वो वाला माइनस वन, तो कितना बचेगा, माइनस एक्स। ठीक है, देखो ये वाली वैल्यू ली है भाई मैंने, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब ले रहा हूं, जब आपका x जो है वो जीरो से वन है, तो जीरो से वन में क्या आएगा बताओ, जीरो से वन में भाई, जीरो से वन ऊपर वाले में तो x माइनस वन ही है, और नीचे में जीरो से वन में क्या है, माइनस टाइम्स x माइनस वन, तो एडअप करेंगे तो जीरो हो जाएगा, राइट? क्लियर बेटा सभी को? यस। और फिर लास्ट है वन से टू भाई, वन से टू में इसका आंसर एक्स माइनस वन है, और ऊपर वाले का आंसर क्या था, ऊपर वाले का भी एक्स माइनस टू था, एक्स माइनस वन सॉरी, क्योंकि इसमें तो, इसमें दोनों डेफिनेशन कंसिडर हो रही हैं,
ऊपर वाला जो था फंक्शन एफ मॉड एक्स, उसमें जीरो से टू डायरेक्टली एक्स डिफाइन था, तो उसमें एक्स माइनस वन जीरो से वन के लिए भी है और वन से टू के लिए भी एक्स माइनस वन ही है और नीचे भी एक्स माइनस वन, तो ये तो टू हो जाएगा, टू एक्स माइनस टू। क्लियर है सभी को? यस यस सर। बस जी एक्स ही बताना था हमें, जी एक्स जी एक्स जी एक्स आ रहा है क्या? माइनस एक्स जीरो, माइनस एक्स सेकेंड जीरो और सेकेंड, हाँ अभी बी ऑप्शन आ रहा है, टू कॉमन ले लेंगे तो यही आएगा ना, ठीक है टू कॉमन लिया हुआ इसमें, टू टाइम्स एक्स माइनस टू है। क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, ब्रेक कैसे करा सभी को क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ एक्स वाई जेड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस 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 हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, ये कह रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन है, पहले तो ये होमोजेनियस है और होमोजेनियस में अगर कह रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन है मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता था होमोजेनियस का, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, ये कह रहा है नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो होगा तो अगर जो आपका डिटरमिनेंट है डी, जो डी निकालते हैं पहले वाला डिटरमिनेंट, वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो डिटरमिनेंट को इक्वल टू जीरो रखकर आपको सॉल्व करना है और एक्स थीटा की वैल्यू क्या है इसमें से, अच्छा जनरल सॉल्यूशन ही बताना है, किसी का आया था भाई इनमें से कोई आंसर डिटरमिनेंट सॉल्व करके क्या आया था? सेकंड करें सॉल्व, करना पड़ेगा क्या, साइन थीटा, और किसी का आया था सेकंड भाई? अच्छा लास्ट स्टेप में कंफ्यूजन थी इसके, एक मिनट चलो कर लेते हैं, साइन थ्री थीटा माइनस वन वन कॉस टू थीटा फोर थ्री और टू सेवन सेवन, साइन थ्री थीटा माइनस वन वन एंड कॉस थीटा फोर थ्री एंड टू सेवन सेवन इक्वल टू जीरो, इसको जीरो रखना है फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अच्छा देखो या तो मैं एक्सपेंड कर दूं इसे, अच्छा साइन थ्री थीटा और कॉस थीटा को देखकर लग रहा है कुछ फॉर्मूला लगेगा, बट अभी मत लगाओ अभी, मतलब साइन थ्री थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मत पुट करो अभी, वो देखेंगे ओपन करके क्या था, उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करूँ या पहले कुछ सिंप्लीफाई कर लूँ, और थोड़ा सा बताओ सिंप्लीफाई सर, क्या करोगे सिंप्लीफाई करने के लिए? आर वन इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन गोज, आर वन को क्यों चेंज कर रहे हो, आर वन में तो पहले से वन वन है, कॉलम वन में से कॉलम टू ऐड कर दो, कॉलम वन में भाई कॉलम टू ऐड कर दो, जीरो आ जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने की कोशिश करो, ले आते हैं जीरो, एक जीरो सेवन फोर्टीन, सेवन बाहर भी आ जाएगा, इनका भाई सेवन हटा दो, जीरो वन टू क्या बचा, साइन थ्री थीटा कॉस टू थीटा टू, टू कॉमन सेवन कॉमन ले लिया मैंने, पर वो सेवन कॉमन लेके इक्वल टू जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा, वो बचेगा ही नहीं, एक्सपेंड कर दो बस, बहुत है एक्सपेंड कर दो, साइन थ्री थीटा बाहर क्या बचेगा, सेवन माइनस सिक्स, सेवन माइनस सिक्स कितना होता है वन, जीरो वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस वन, वन लिया तो आएगा टू कॉस टू थीटा और माइनस का टू इक्वल टू जीरो चल रहा है, ठीक है ये आ गया भाई, क्या आ गया, साइन थ्री थीटा प्लस का टू कॉमन लेकर कॉस टू थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये आ गया, क्या करें कॉस टू टू थीटा की बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊँ उसमें, जो तुम कहोगे वाला लगाऊंगा बताओ भाई, साइन थ्री थीटा का तो एक ही लिखना पड़ेगा, कौन सा, थ्री साइन थीटा माइनस का फोर साइन क्यू, अगर ये वाले साइन वाली टर्म्स आ रही हैं तो कॉस का भी वही वाला लगा लो वैसे, जो जिसमें साइन आता है, क्या होता है फॉर्मूला, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा तो वन वन कट जाएगा, माइनस का टू साइन स्क्वायर लिख दो, यस ठीक है भाई, साइन में क्यों चेंज कर रहे हैं ये सभी को आ गया ना कंफर्म बेटा, क्यों कर रहे हैं सर? यस सर। माइनस का फोर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, क्या कॉमन है सब में से, लाइक टर्म तो कुछ नहीं है, साइन थीटा कॉमन ले लो भाई, क्या बचेगा, थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर और माइनस का फोर साइन थीटा इक्वल टू जीरो, इसकी करना बिल्डर स्प्लिटिंग हो जाएगी क्या, ये लिखा है माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का थ्री मल्टीप्लाई करके माइनस ट्वेल्व ऐड करके माइनस फोर हो जाएगा, माइनस सिक्स और प्लस टू, माइनस का टू एक्स कॉमन, टू एक्स प्लस थ्री प्लस वन कॉमन, तो ये आ गया टू एक्स प्लस थ्री एंड माइनस टू एक्स प्लस वन,
आंसर आ रहा है भाई साइन थीटा के साथ, टू साइन थीटा प्लस थ्री और माइनस का टू साइन थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, तीनों फैक्टर जीरो है तो साइन की वैल्यू तो जीरो होगी, साइन की थीटा की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू होगी जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस वन से पीछे हो गया है, तो या फिर साइन थीटा की वैल्यू वन बाई टू होगी, तो दो आंसर पॉसिबल है। कुछ कंडीशन भी गिवन थी क्या, एक्स वाई जेड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ थीटा पे कुछ कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो जनरल सॉल्यूशन ही लिखना है, वैसे सारे ऑप्शन जनरल सॉल्यूशन वाले ही हैं। याद आ रहा है भाई मैंने बोला था जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूले लर्न कर लेना, याद है सभी को, याद आ रहा है? यस सर। भाई साइन जीरो पे जीरो होता है साइन थीटा, तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी एन पाए प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू में ये वाई, लेकिन यहाँ जीरो करोगे तो बस थीटा की वैल्यू एन पाई आ जाएगी, ये आ गया। और साइन थीटा इक्वल टू क्या वन बाय टू, वन बाय टू कहाँ पे होता है पाई बाय सिक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू में पाई बाय सिक्स। इनमें से दोनों ऑप्शन शायद गिवन नहीं होंगे, कोई एक ही ऑप्शन गिवन होगा, एन पाई गिवन है और कौन सा ऑप्शन होगा भाई, फिर ए होगा ना, समझ में आया? ठीक है भाई। अच्छा अभी इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, मतलब वो ठीक नहीं है, मतलब तरीका सही नहीं है, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ कर सकते हो तुम भाई। एंगल तुम्हें दिख रहे हैं भाई, ये साइन मतलब थीटा की वैल्यू क्या क्या लेनी है, तो पहला ऑप्शन एन पाई लिखा हुआ है, तो पाई लेके अगर सॉल्व कर लो देख लो जीरो आता है तो ठीक है, उससे पाई या टू पाई से जीरो नहीं आता, फिर है टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स ले लो क्योंकि टू एन पाई प्लस करने पे कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे फर्स्ट में, और माइनस पाई बाय सिक्स लेके देख लो, मतलब इससे भी मेथड मगर मैं ऐसे भी चेक करूंगा हिट एंड ट्रायल मेथड, पर ये वाला हिट एंड ट्रायल मेथड तब करते हैं जब भाई मैं सोच ही नहीं पा रहा क्वेश्चन के बारे में कि करना क्या, तो फिर तुक्का लगाना हो गया कि ब्लाइंड गेस की करके देखता हूँ मैं, इन ऑप्शन में से मैच करता हूँ, ये तरीका तब करते हैं जब क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, ठीक है, उसमें भी फिर ये देखते हैं कि 100% हम श्योर होने चाहिए कि हाँ भाई इस वाले से आ रहा है बाकी से नहीं आ रहा जीरो, ठीक है, पर टाइम तो जाएगा इसमें भी, सॉल्व करोगे थोड़ा सा डिटरमिनेंट दो दो तीन तीन बार निकाल के देखोगे, ठीक है, पर कैलकुलेशन में इतना बड़ा नहीं था, हम वैसे नॉर्मली एक्सपेंड कर लिया तो आ गया, इतना कोई बड़ा नहीं रहा क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ये वाला करेंगे बाद में डिस्कस कॉम्प्लेक्स नंबर का, नेक्स्ट ये तो भाई बेकार सा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन सभी का हो गया, तो nth टर्म बतानी है भाई, ये तो देखकर ही पता लग रहा है nth टर्म क्या होगी इसकी, आया समझ में nth टर्म क्या है भाई, अच्छा इन सिंबल का मतलब पता है क्या? यस सर। इसका मतलब क्या है, पाई लिखने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं समीशन तो पता है तुम्हें कि x, अगर मैं कहता हूँ वन से लेकर टेन तक लिखना है तो x1, x2, x3, x3, x4 क्या करोगे आप ऐड करोगे, लेकिन अगर पाई लिख दिया ऐसे तो इसका मतलब है x1, x2, x3 मल्टीप्लाई में, ठीक है, सीरीज बन जाएगी ऐसे, क्या आंसर आएगा अभी इसका निकाला है किसी ने, तो क्या बन रहा है मल्टीप्लाई वाली सीरीज बन रही है, मल्टीप्लाई वाला तो ऑप्शन ही नहीं गिवन अभी इसमें, ठीक है, हमें क्या निकालना है, एनिट टर्म निकालनी है इसकी, अच्छा सम निकालना है, सॉरी सम निकालना है भाई, सम क्या आएगा, ठीक है सभी को, सी ऑप्शन, कैसे, वन माइनस क्या आएगा पहला, अच्छा चलो फर्स्ट टर्म बता दो मुझे क्या लिखी हुई है, फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है, ए वन लिखी हुई है ना भाई, टी वन, ठीक है, सेकेंड टर्म कितनी है हमारी, वन माइनस ए वन इंटू में ए टू, ऐसे चल रहा है, ठीक है, फिर थर्ड टर्म क्या है, ऐसी वन वन माइनस ए वन, वन माइनस ए टू इंटू में ए थ्री, मतलब क्या हो रहा है जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं, ए एन अगर निकाल रहे हैं और टी एन अगर निकाल रहे हैं तो ए एन मल्टीप्लाई करना है, और उससे आगे वाली जो उससे पहले वाली जो टर्म्स है वन से लेकर ए वन से लेकर ए टू तक, ए थ्री ए फोर ए फाइव ए एन तक, वो सारे क्या करने हैं, वन में से माइनस करने हैं, राइट, यही है ना बेटा, समझ में आया, देखो ये रही एनिटम, ये क्यों नाम है, तो हमें इसका सम निकालना है, तो एनिटम पता लगी कितनी है भाई,
एन टर्म बता दो कितनी है, एन टर्म क्या लिखी हुई अभी? वन माइनस ए आई, वन माइनस ऐसे लिखा हुआ ना, ए वन, वन माइनस ए टू डॉट डॉट डॉट, वन माइनस ए एन माइनस वन इंटू ए एन, ऐसे लिखा हुआ है, ये हमारी एन टर्म है, राइट? ये ठीक है, और एन एन या आई बोल दो, आई कहां से स्टार्ट करना है हमें, वन से लेकर स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, एन तक जाना है, राइट? यार इसमें एक गड़बड़ लिखी हुई है, क्या गड़बड़ है? ऑप्शन नंबर सी में यार ये समेशन की जगह पाई होना चाहिए, कब आएगा आंसर? किसी का आया था भाई कोई ऑप्शन मैच कर रहा था इसमें से चारों में से, बताओ भाई? सी ऑप्शन पहली टर्म में आया ये, फिर सेकंड टर्म में आया, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हमारी एनी टर्म आ गई, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, समेशन करोगे इसका तो सी कैसे आ जाएगा भाई, सी कैसे आ जाएगा भाई? गड़बड़ है मेरे ख्याल से, इसमें पाई होना चाहिए, दिया ही नहीं भाई कोई, ये वाला वन माइनस पाई की वैल्यू वन पुट करेंगे तो वन माइनस ए हो जाएगा, तो नहीं आएगा समेशन से, कुछ गड़बड़ ऑप्शन है, छोड़ दो चलो, नेक्स्ट बताओ। फिफ्थ बेटा हुआ था किसी का, स्ट्रेट लाइन वाला डी आया सर, फिफ्थ का आ रहा है डी, डी ठीक है, करना क्या था भाई इसमें देख लो, जैसे ऐसे है कुछ, इसने बोला है कि द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन टू, वन टू से पास होगी एक लाइन, और having intercept of length 3 between the two lines, भाई दो लाइनों के बीच में मतलब ऐसे हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही ना, ये तो पैरेलल है भाई, ये तो भाई पैरेलल है, देखिए पता लग गया, ये दोनों की दो लाइन भाई पैरेलल है क्योंकि स्लोप इक्वल है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन है जो पास करानी है, जो कि 1-2 पॉइंट से पास होगी, 1-2 इन लाइनों पे तो नहीं आता, 3 प्लस 8 इक्वल टू 24 नहीं होता, 3 प्लस 8 12 भी नहीं होता, ठीक है भाई, 1-2 इन दोनों लाइनों पे तो नहीं है, तो 1-2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, अब वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, और इंटरसेप्ट बोला है इसने, हैविंग अ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन दीज टू लाइन्स इज 3 यूनिट्स, तो मुझे बताओ इन दोनों पॉइंट लाइनों पर हम पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं ना भाई, पहली वाली लाइन पर ध्यान है मैंने बताया था कि अगर कभी आपको पॉइंट मानना पड़े एक लाइन पे तो दो वेरिएबल मत माना करो, ऐसे मान लो कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है ए कॉमा, अगर एक्स ए लोगे तो वाई कितना आ जाएगा, 24 माइनस 3a डिवाइड बाय 4, ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते, क्लियर है भाई, और सेकेंड वाली लाइन पे भी पॉइंट ए लोगे ऐसी, सेकेंड वाली लाइन पे क्या आ जाएगा, अगर इसको बी मानते हो आप तो वाई कितना आएगा इसका, 12 माइनस 3 b डिवाइड बाय 4, क्लियर है सभी को? ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल में हमने क्या करा यार, पॉइंट मान लिया ऐसे, 24 माइनस 3a डिवाइड बाय 4, और नीचे वाले में b लेकर मान लिया, ऐसे क्या होगा, कम से कम वेरिएबल दिखेंगे तुम्हें, अब वो कह रहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, ये मान लो p पॉइंट है, ये पॉइंट q है, तो वो कह रहा है pq की लेंथ दी हुई आपको, है ना, pq की लेंथ दी हुई कितनी, 3 यूनिट्स, ये दिया हुआ ना, क्लियर है भाई, बोलो भाई सभी को क्लियर बेटा? सर इसमें हमने जैसे दो लाइंस दी हैं, इनमें से एक की स्लोप निकाल के दोनों की सेम होगी, तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से क्यों नहीं किया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यार इंटरसेप्ट फॉर्म तो जो होती थी, तुम क्या करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, पहले तो बात तो पैरेलल लाइन है, फिर क्या करोगे बताओ, क्या कह रहे हो? हमें 1-2 पॉइंट दिया है जैसे, तो हम इन दोनों में को एक स्लोप, दोनों की स्लोप सेम होगी, तो उसमें पुट कर देंगे 1-2 वाली पॉइंट में, स्लोप दोनों की इक्वल होगी तो मैं क्या करूं, स्लोप तो मुझे पता है डायरेक्टली माइनस 3/4 है, फिर मैं क्या करूं, क्या पूछूं, जो स्लोप पॉइंट फॉर्म, यस सर, अरे यार ये जो लाइन पास हो रही है तुम्हारी पी क्यू, पी क्यू का स्लोप थोड़ी ना माइनस 3/4 होगा यार,
माइनस थ्री बाई फोर तो पैरल लाइन ओके है, जो वन बाई टू से लाइन आ रही है वो तो टेढ़ी आ रही है, उसका स्लोप कैसे हो जाएगा माइनस थ्री बाई फोर? नहीं आया समझे? क्लियर है? यस सर। समझ में आया यार? वो माइनस थ्री बाई फोर जो तुम कह रहे हो स्लोप इक्वल है, पर वो जो पी क्यू जो टेढ़ी लाइन जा रही है जिसको मैं कह रहा हूँ वन टू से पास हो रहा है, उसका स्लोप तो है ना माइनस थ्री बाई फोर है, वो तो पैरल लाइन होगा अभी। क्लियर है ना? ओके सर। ठीक है ना? मतलब कंफ्यूजन क्लियर है ना, क्या क्यों नहीं कर रहे ऐसे? यस सर। तो यार उसका स्लोप थोड़ा ध्यान से तो समझो क्वेश्चन को, माइनस थ्री बाई फोर तो वो जो पैरल लाइन है उनका है, वो जो लाइन टेढ़ी जा रही है उसका तो है ना माइनस थ्री बाई फोर होगा, जो मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा अभी, इतनी जल्दी नहीं, आराम से। तो क्या करा मैंने, P और Q पॉइंट मान लिए, दोनों लाइनों पे पॉइंट मान लिए ऐसे A और B की टर्म्स में। अब मुझे पता है इन दोनों का डिस्टेंस लगाकर PQ की लेंथ दी हुई है कितनी, 3 यूनिट्स दी हुई है। तो ये तो एक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि दोनों जब तक A और B की वैल्यूज नहीं आती, या A की आ जाए या B की आ जाए, फिर मैं लगा सकता हूँ टू पॉइंट फॉर्म। वन टू पॉइंट पहले से पता है, एक पॉइंट और मिल जाएगा तो मैं आंसर निकाल लूंगा। तो मुझे बेसिकली मतलब A और B निकालना है। अब A B निकालने के लिए मैंने कहा एक इक्वेशन तो बन गई, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, पी क्यू की लेंथ लगाकर मैं थ्री के इक्वल रख दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, ए और बी की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाऊं, कुछ समझ में आ रहा है? दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, जो वन टू पॉइंट है वो गिवन भी नहीं है, कहाँ पर है, बीच में है, मिड में है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऐसा कुछ गिवन भी नहीं है। तो किसी को समझ में आ रहा है कुछ, क्या करें? अच्छा मुझे बताओ, ये इस पॉइंट से, क्यू पॉइंट से जो ऊपर वाली लाइन है उस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं? यस सर। वेल फॉर्मूला होता है ना कि किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे, राइट? बट उससे क्या होगा, क्या होगा, पर वो तो वेरिएबल की टर्म्स में आएगा, क्योंकि बी स्ट्रेट लाइंस पैरेलल है तब वो डिस्टेंस 12 भी होगा, इनके इंटरसेप्ट्स का डिफरेंस। इंटरसेप्ट्स का डिफरेंस, अच्छा हाँ यार ये तो पैरल लाइन है ना, मैं तो ध्यान ही दिया, मैं बोल तो रहा हूँ पैरल लाइन, भाई पैरल लाइन के बीच में डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये वाला डिस्टेंस जो होगा, दोनों पैरल लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो तो हम वैसे ही निकाल लेंगे भाई, पॉइंट से थोड़ा निकालने की जरूरत है। ये वाला डिस्टेंस का तो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, क्या आएगा, 24 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट? कितना आ गया, 12 डिवाइड बाय 5। क्लियर है भाई? बोलो भी, क्लियर है सभी को? और अब जो मैं कह रहा था वो लगा दो कि Q पॉइंट से B कॉमा 12 माइनस 3B बाय 4 से इस पॉइंट से आप एक लाइन ले रहे हो, कौन सी, ऊपर वाली लाइन, क्या थी ऊपर वाली लाइन थी हमारी 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 24। इस Q पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊं तो वो भी लिख सकता हूं मैं, राइट? ये x1 है तुम्हारा, ये तुम्हारा y1 है, ये तुम्हारा कैपिटल ए है, ये तुम्हारा कैपिटल बी है, और ये तुम्हारा, इसको लेफ्ट साइड पे ले आना, माइनस सी हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर लूंगा, और ये इक्वल टू किसके रख दूंगा, समझ में आया, 12 बाई 5, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में 12 बाई 5 ही रहेगा, राइट? तो ऐसा करने से क्या होगा, जो वेरिएबल है बी वो निकल जाएगा ना, आया भी समझ में? नहीं आ रहा है, लिख के बताऊं दोबारा? आ गया सर। आ गया, बोलो भाई किस किस को नहीं आया, हाँ एक बार हैंड रेज कर दो जिनको नहीं आया कि क्या करने हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो पैरल लाइन ध्यान देना है कि पैरल लाइन के बीच में डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। देखो क्या होता है, जब तक सारे कॉन्सेप्ट, मैप, फॉर्मूला, जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो माइंड में नहीं होंगे तो क्वेश्चन रिलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अब अगर यही वाली बात ध्यान नहीं दी कि भाई पैरल लाइन है और डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, स्लोप तो समझ में आ गया कि पैरल लाइन थी, बट पैरल लाइनों के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो तो हम निकाल सकते हैं ना डायरेक्टली, ठीक है, और उसको इक्वेट कर देंगे जो पॉइंट बी वाला पॉइंट था, बी कॉमा समथिंग जो था पॉइंट, उससे जो डिस्टेंस निकालेंगे उसके इक्वेट कर देंगे तो बी निकल जाएगा। फिर ए निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बी निकल गया और एक पॉइंट निकल गया पहले से, और पहले से एक पॉइंट दिया हुआ वन टू, तो टू पॉइंट फॉर्म लगा के मैं इक्वेशन निकाल दूंगा। क्लियर हो गया? सिक्स बताओ भाई, सिक्स 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 क्वेश्चन किस किसने करा था? यस सर। सिक्स क्वेश्चन में सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिए हुए, आंसर बता दो फिर क्या आ रहा था इसका? फोर। कितना? सी।
सी, वेरी गुड, सभी का आया था भाई 4? यस सर। मतलब यार थोड़ा सा पहले मैनिपुलेशन कर लो, मैनिपुलेशन क्या कर लो भाई, जीरो ले आओ जितने ला सकते हो, कहाँ पे ले आऊँ जीरो, आर 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 टू में से आर थ्री माइनस कर दो, क्या बचेगा, जीरो वन माइनस वन एक्स वाई जेड प्लस वन, ऊपर वाला एज इट इज, और आ सकता है क्या जीरो, और जीरो ला सकते हैं सर, पहले और भी आ जाएंगे, फर्स्ट को भी कर सकते थे हमने जैसे आर वन, हाँ हाँ वो तो कहीं भी ले आओ जीरो, सॉल्व करके किसी को याद आ रहा है क्या क्या आया था अभी ओपन करके, मतलब डेटमेंट ओपन करके क्या आ रहा था, चलो मैं एक और कॉलम ऑपरेशन और लगा देता हूँ, कॉलम वन में कॉलम टू को ऐड कर देता हूँ, क्या आएगा, एक्स प्लस वन जीरो एक्स वाई प्लस जी जीरो वाई प्लस जेड प्लस वन, और यहाँ पर जेड माइनस वन जेड प्लस वन, ओपन कर रहा हूँ, दो जीरो आगे बीच वाले रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये हमारा है कौन सा एलिमेंट, टू थ्री टू थ्री टू थ्री, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो क्या बचेगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, ये तो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, सर ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर हमें इनइक्वालिटीज दी हैं उसको पहले सॉल्व कर लें तो, हाँ ठीक है वैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंड करके मेरे को लग रहा है सिंपल सा आंसर आएगा जिसको हम देख कर ही बता पाएंगे डायरेक्टली, तो किसी ने एक्सपेंड करा था क्या अभी, यार स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे करता हूँ, जल्दी से क्या दिया हुआ है हमारा, हाँ तो वो तो कैसे भी कर लो सॉल्व, तो कैसे भी कर लो यार, क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से बताओ कैसे जीरो लाऊं, फर्स्ट रो में कर दूं, फर्स्ट रो में से क्या माइनस कर दूं, थर्ड रो क्या बचेगा, वन वन बचेगा, जीरो माइनस वन, एक और ऑपरेशन लगा सकता हूँ क्या, आर टू में से क्या माइनस कर दूं, आर टू में से भी आर थ्री माइनस कर दूं एक साथ ही, यस सर, जीरो वन माइनस वन एक्स वाई जेड प्लस वन, कर दो भाई ओपन, एक और ले आए जीरो, कॉलम वन में कॉलम टू ऐड कर दो, वन जीरो एक्स जीरो, सॉरी क्या हो जाएगा, अच्छा जीरो तो हट जाएगा यार कोई फायदा नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ कॉलम वन में कॉलम टू ऐड करके वो एक जीरो हटा देगा, कोई फायदा नहीं है उसका, छोड़ दो, कर दो एक्सपेंड, फर्स्ट रो के अलोंग ही कर रहा हूँ, वन बाहर जेड प्लस वन प्लस वाई हो जाएगा, और माइनस वन बाहर, ये गया माइनस का, ये तो क्या आ रहा है आंसर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन, ये आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और प्लस वन आ रहा है, और क्या निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये तो देखकर ही बता दोगे यार क्या इसमें, एक्स की वैल्यू टू से कह रहा है कम है, तो टू से जस्ट थोड़ा सा अगर कम लूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आएगा, वन आएगा मैक्सिमम, वन, वाई का क्या आएगा, वाई का जीरो आएगा, जेड का क्या आएगा, थ्री से कम टू आएगा और प्लस वन, हाँ भाई ठीक है फोर आ रहा है, क्लियर सभी को, यस सर, ठीक है, नेक्स्ट भाई हुआ था किसी का, तो सी आया था किसी का, सी आंसर, कंटिन्यूस, अगर डिफरेंशियबल, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर डिफरेंशियबल तो पक्का नहीं होगा, तो ए ऑप्शन अगर नहीं है, अगर ए ऑप्शन आता है नहीं तो बी ऑप्शन तो पहले ही कट गया, अपना भी कट जाएगा, कंटिन्यूस आया था क्या, जीरो पे, जीरो जीरो पे कंटिन्यूस आया था क्या भाई, जीरो माइनस एच प्लस वन ई की पावर माइनस, एक मिनट नहीं लिखता हूँ दूसरे पेज पे, हाँ भाई क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस वन ई की पावर माइनस टाइम्स वन
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और 1% ऐसे दिया हुआ है जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है और जीरो दिया हुआ है जब एक्स की वैल्यू जीरो है। ठीक है तो हमने चेक करा भाई कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली क्या आएगी जीरो माइनस एच मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ जीरो माइनस एच ई की पावर माइनस वन अपॉन जीरो माइनस एच का मॉड प्लस वन अपॉन जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंड टू क्या है जीरो सॉल्व करके क्या आएगा ई की पावर में बचेगा वन अपॉन जीरो वन अपॉन जीरो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगी यानी कि वन अपॉन ई का इन्फिनिटी जो कि होगा जीरो जीरो आ रहा था भाई इसका आंसर ये मैंने गड़बड़ कर दी क्या रहा था भाई इसका आंसर अच्छा एक मॉड है यार मैंने गड़बड़ कर दी मॉड है मॉड 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 दिया हुआ है तो फिर ये तो प्लस आएगा और ये माइनस तो ये दोनों कट जाएंगे भाई ई की और जीरो आएगी सॉरी तो एच की वैल्यू जीरो है प्लस वन इंटू ई की पावर जीरो क्या आंसर बना है भाई राइट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी जीरो प्लस एच प्लस वन ई की पावर माइनस वन अपॉन जीरो प्लस एच का मॉड नीचे यहां पर भी जीरो प्लस एच कितना आएगा टू अपॉन एच अब क्या आएगा सॉल्व करके अब आएगा जीरो प्लस वन ई की पावर अब क्या होगा अब नहीं कटेगा भी अब तो वन अपॉन एच इन्फिनिटी आएगा दूसरे वाला भी वन अपॉन एच इन्फिनिटी आएगा तो अगर दोनों इन्फिनिटी आ रहे हैं तो फिर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होगी ई की माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है सारा इस क्या कर देगा वो जीरो कर देगा राइट यस सर क्लियर है तो भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल के पता लग गया कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियबल तो पक्का गारंटेड है नहीं होगा क्योंकि जब कंटिन्यूस नहीं है तो पर डिफरेंशियबल पर अगर कंटिन्यूस है तो हम ये पक्का नहीं बोल सकते कि डिफरेंशियबल नहीं होगा ठीक है अच्छा नेक्स्ट एज्यूम ऑल इंटरमीडिएट वैल्यूज फ्रॉम एफ माइनस टू से एफ टू निकाला था भाई किसी ने एफ माइनस टू की वैल्यू और एफ टू की वैल्यू कितनी आएगी एफ टू एफ माइनस टू की वैल्यू निकाली भाई किसी ने कितनी आएगी एफ माइनस टू बताओ जल्दी से कितना आएगा एफ माइनस टू कितना आएगा भाई बताओ भाई एफ माइनस टू एफ माइनस एफ माइनस टू आएगा माइनस टू प्लस वन माइनस वन और हाँ ठीक है माइनस वन और एफ टू की वैल्यू बता दो टू प्लस वन थ्री वन अपॉन टू वन हो जाएगा ई के माइनस वन थ्री अपॉन ई यस सर अच्छा तो ये क्या कह रहा है कि एज्यूम ऑल अगर ये फंक्शन के बना में क्या पूछा गया था इसने ऑन इंटरवल फंक्शन ये गिवन है जीरो अच्छा जीरो पे जीरो है अच्छा जीरो जो है जीरो जो वैल्यू आ रही है वो माइनस वन से थ्री बाई ई के बीच में ही है ना ठीक है और बाकी जो वैल्यूज होंगी जब जीरो नहीं है तो फिर वो वैल्यूज जो आ रही है वो क्या रही है हमारी माइनस वन से थ्री बाई के बीच में आ रही है तो यही आएगा ठीक है क्लियर है भाई हाँ भाई सभी को क्लियर है yes, sir. ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट ये किसी का हुआ था क्या एट भाई वेक्टर बोलो भी किसी का हुआ था हैंड रेज कर लो जिसने करा था ये वाला प्रश्न किसी ने भी अच्छा भाई करते हैं फिर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर था ये एट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो तो मतलब समझ आ के परपेंडिकुलर है सी भी एक यूनिट वेक्टर है एट थीटा एंगल विद ए के साथ भी और बी के साथ भी दोनों के साथ एंगल सेम दिया हुआ है इक्वली इंक्लाइंड है दोनों के साथ और सी का यूनिट वेक्टर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है एम ए प्लस एन बी प्लस पी टाइम्स पी कुछ स्केलर होगा ये तो ऊपर एरो या कुछ बना होता और प्लस एस सॉरी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्रॉस विद बी यूनिट वेक्टर और इसने बोला हुआ है कि भाई एम एन और पी ये सारे के सारे कोई ना कोई रियल नंबर है ठीक है और हमें क्या करना है थीटा की वैल्यू बतानी किस एंगल के बीच में होगी जो इंटरवल दिए हुए थे थीटा की वैल्यू बतानी कहाँ होगी
तो पहले सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ए बी का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ जीरो मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है, सी जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है विद ए और बी और एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करें, स्टार्ट कैसे करें भाई, सी का अगर ए के साथ एंगल दिया हुआ है थीटा तो सी के साथ ए का डॉट कर देते हैं, मतलब डॉट कर दें भाई लेफ्ट और राइट पर, ठीक है, यस, ऐसा करने से क्या क्या आएगा देख लो भाई, क्या क्या आएगा, इसको तो मैं लिख सकता हूँ सी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिखूंगा, एम ए का यूनिट वेक्टर का स्क्वायर यानी वन ही आएगा राइट, और बी इंटू ए या ए इंटू बी सेम बात है वो तो जीरो हो गया, प्लस कोई ये बताएगा जल्दी से कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ए क्रॉस बी करोगे तो दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो ए के साथ अगर परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी तो उसका डॉट क्या आएगा, ये भी जीरो आएगा ना, क्लियर है भाई, लास्ट वाला पार्ट, ए क्रॉस बी कर मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो अगर ए के साथ भी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी और बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, तो आगे आप अगर डॉट कर रहे हो ए क्रॉस बी का डॉट ए या ए क्रॉस बी डॉट बी तो जीरो आएगा ना भाई, क्लियर है, यस सर, नो सर, कुछ तो बोल दो भाई, यस सर, हाँ बोल दो भाई, यार बोलते रहे करो, मुझे लगता है आया नहीं समझ में, ठीक है, बताते भी रह करो, ये नहीं कि मैं ही लिखता हूँ, बताते जाओ अगर कुछ समझ में आ रहा है तो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो भाई वन वन है तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यूनिट वेक्टर, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई कितनी एम, तो मैंने क्या किया था ए के साथ करा, अब ऐसे बी के साथ भी कर सकते थे, तो सी का बी के साथ करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा ही आएगा दोबारा, राइट साइड पर क्या आएगा भाई, ए डॉट बी ए जीरो हो जाएगा, एन के साथ बी डॉट बी करोगे एन ही आएगा और आगे वाला जीरो, तो एन की वैल्यू ये आ जाएगी भाई, ठीक है, ठीक है, yes, ठीक है, एन और एम आ गया, अब क्या करें भाई, एन और एम आ गया, एन और एम आ गया, अब क्या करें, हमें क्या निकालना, थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करें, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किसी को आ रहा है समझ में, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करें, ए डॉट बी दिया हुआ जीरो, उससे तो कुछ निकलेगा नहीं, ये तो दो वैल्यूज आई है बस, एम और एन, और एम और एन बोला है बस रियल नंबर है, कोई और सिचुएशन गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, क्या करें, क्या करें भाई, जब कुछ नहीं आता समझ में, याद आ गया कुछ ट्रिक था बताया था मैंने, क्या करते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें भाई, और भाई और कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, ये जो लिखा हुआ है इसका भाई क्या करते हैं, देखते हैं स्क्वायर क्या आएगा, कर दो भी इसका स्क्वायर कर दो, और क्या करें, सी का सी क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड में लेफ्ट साइड पे वन लिख पाऊंगा, तो स्क्वायरिंग कर दी भाई, स्क्वायरिंग करने का मतलब डॉट वाला प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, ये याद रखना, तो आप डॉट कर दे, तो कैसे करोगे भाई, एम ए एन बी प्लस पी ए क्रॉस बी, फिर दोबारा एम ए एन बी पी ए क्रॉस बी, चलो बताओ क्या क्या आएगा, एक एक करके ओपन करते जाओ, कुछ तो जीरो होंगे इसमें से, एम ए को एम ए से मल्टीप्लाई करोगे एम स्क्वायर हो जाएगा, ए का ए का यूनिट वेक्टर, ठीक है, एम वाले को एन के साथ करो ही मत क्योंकि वो जीरो आएंगे, अच्छा ये तो इजी हो गया, ये वाला भी जीरो आएगा और ये वाला भी जीरो आएगा, समझ में आ गया, तो यानी कि एन का भी एन स्क्वायर आएगा और पी का क्या आएगा, पी स्क्वायर और साथ में ऐसे आएगा ना, ये आएगा ना, ठीक है, बोलो भाई सभी को आया तक समझ में, yes, क्योंकि ए डॉट बी जीरो हो जाएगा और ए के साथ अगर ए क्रॉस बी का डॉट करोगे वो भी जीरो आएगा, सेम गोज फॉर बी, बी ए भी जीरो आएगा और बी का ए क्रॉस बी के साथ करोगे वो भी जीरो आएगा, तो ये आ गया, अब हमें इसकी वैल्यू कैसे निकाले भाई, ए क्रॉस बी, अच्छा ए क्रॉस बी का स्क्वायर है, किसी भी वैक्टर का स्क्वायर जो होगा उसके मॉड के मॉड स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अब लेकिन यहाँ पर साइंस को थीटा आएगा राइट, ठीक है भाई, Yes. ये आ गया, अब क्या करें, अच्छा नहीं साइंस को थीटा क्यों लिखा भाई मैंने, थीटा तो इधर लिखूंगा, थीटा तो किसके बीच में एंगल है भाई, थीटा तो एंगल है सी और सी ए और सी बी के बीच में,
ए और बी के बीच में कितना एंगल है भाई? 90 डिग्री है ना, तो भाई 90 डिग्री है तो साइन भी लिखने की जरूरत नहीं है, साइन स्क्वायर 90 कितना होता है, 1 होता है राइट, तो 1 ही आ गया, साइन भी नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, अगर मैं थीटा लिख देता तो जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं देता कि ए और बी के बीच में एंगल थोड़ी ना थीटा है, ए और बी के बीच में तो 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 90 1 आएगा भाई, तो ये 1 1 तो क्या आ गया भाई, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करें, अच्छा हमें ये दिया तो अभी निकाला था हमने, क्या निकाला था भाई, पी कॉस थीटा की वैल्यू एम और एन दोनों की इक्वल है, तो भाई आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन और प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, पी स्क्वायर सॉरी। अब क्या करें, पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है ना भाई? यस सर। और ये तो गड़बड़ हो गया भाई, सोचो पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये तो अजीब सी सिचुएशन बन गई, ये तो ऐसी सिचुएशन बन गई भाई, पी स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस कॉस थीटा के इक्वल। फिर क्या निकालना, क्या था भाई हमें निकालना था, थीटा की वैल्यू बतानी किसके बीच में होगी, पी कैन बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर करो तो सही, हमने कुछ गड़बड़ नहीं करी, पी स्क्वायर की वैल्यू माइनस कॉस थीटा आ रही है, ठीक है ठीक है भाई, पी स्क्वायर आप क्या बोलते हो, पी स्क्वायर क्या है भाई, पक्का गारंटेड है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस कॉस थीटा के बारे में आप क्या बोलोगे, माइनस कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा भाई, कहां से कहां तक होगा, बताओ भी, माइनस ये माइनस टू सही लिखा है, कॉस थीटा ही बनता था ना, 1 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो 2 कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है कॉस थीटा का ही फॉर्मूला होता है, हाँ तो कहां से कहां तक होता है, माइनस 1 से 1 ही रहेगा राइट, ठीक है भाई। अब पी स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है और कॉस माइनस कॉस थीटा हमारा आ रहा है माइनस 1 से 1, तो यानी कि क्योंकि पी स्क्वायर अगर 0 से 1 है तो ये भी भाई 0 से 1 ही रखना पड़ेगा, माइनस वाली वैल्यूज अलाउड नहीं है क्योंकि पी स्क्वायर फिर भी तो इमेजिनरी, पी इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है तो आ गया। बताओ कॉस की वैल्यू 0 से 1 कौन से क्वाड्रेंट में होती है भाई, देख लो बस चेक कर लो, यही होगा अगर आपका माइनस कॉस थीटा 0 से 1 रखना है तो थीटा की वैल्यू क्या रखें, फिर ऐसे ही लिख लो ना यार, इसको ओपन ही कर लो, 2 मत लिखो, 2 हटा दो, 2 हटाएंगे तो क्या आएगा, जो हम लिख रहे थे वही लिख दो, क्या लिखा था हमने, 2 कॉस का थीटा माइनस 1, ओपन ही कर दो, ये आप कह रहे हो 0 से 1 के बीच में, तो ये आ गया 1 माइनस 2 कॉस का थीटा 0 से 1, तो 1 माइनस 2 अगर कॉस का थीटा आपका 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, क्या आएगा, 1 हटा दो, क्या आएगा, माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 0, माइनस हटाओगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई, और रूट लोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू बस इतना ही देख लो, 0 से 1 बाय 2 आ रहा है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 बाय रूट से छोटी और 0 से बड़ी, या फिर कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2 से बड़ी और 0 से छोटी, बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर, ऑप्शन माइनस 5 बाय 4 से 5 बाय 4, सर माइक म्यूटेड है। हाँ बेटा बताओ क्या है अभी, अच्छा कॉस कैसा फंक्शन होता है हमारा, हाँ क्या आ रहा है हमारा आ रहा है 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2 से 0 या फिर 1 बाय रूट 2 से 0, क्या वैल्यूज होंगी इनमें से, ए पाई बाय 4 से
माइनस फाइव बाई फोर से प्लस फाइव फोर, तो अगर माइनस फाइव फोर से मैं जीरो ले लेता हूँ तो सारे के सारे, यार ये तो गड़बड़ नहीं हो गया, हम कह रहे हैं ए में तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ए में तो अगर एंगल नेगेटिव भी लोगे तुम तो उसमें कॉस वैल्यू पॉजिटिव देगा तुम्हें, है ना, ये नहीं होगा ना भाई। कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ जाती है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब जाएगी भाई, सेकेंड में जाएगी ना, सेकेंड और थर्ड में, तो ये वाला भी नहीं होगा भाई, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी और डी में से होगा। अच्छा बी में ले रहा है, जीरो से ले रहा है, थ्री पाई बाई फोर जो होगा वो सेकंड में जाएगा, लेकिन जीरो से कह रहा है बड़ा भी हो सकता है, तो जीरो से बड़ा तो वन बाई टू भी हो सकता है ना, और क्या वन बाई टू आ जाएगा इसमें, या अच्छा हमें लेना है वन बाय रूट टू से बड़ा, सॉरी छोटा लेना है, वन बाय रूट टू से छोटा, वन बाय रूट टू और वन बाय टू में से कौन बड़ा है भाई, कौन बड़ा है दोनों में से, वन बाय रूट टू ये बड़ा है ना, तो फिर बताओ फिर इनमें से कौन सा होगा, कौन सा होगा भाई, बी बी ऑप्शन होगा, सारे कह रहे बी होगा भाई, समझ में आ गया, क्लियर है, क्योंकि पहले जो लास्ट ऑप्शन है उसमें जीरो से ले रहा है वो, yes, जीरो से भी तो तुम्हारी, हाँ जीरो से लाइक कॉस की वैल्यू क्या होती है, जीरो पे वन भी आती है ना, पर क्या वन आ सकती है, देखो ना हमारा जो आंसर रहना चाहिए वन बाय रूट टू से छोटा ही होना चाहिए भाई, है ना, तो फिर ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया भाई, यानी ये वाला ठीक हो गया, अच्छा क्वेश्चन था भाई, क्लियर है सभी को, यस सर, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ी, देखो इसमें पी स्क्वायर आ गया, अब यहाँ पर अटक गए, तो पी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है यार जीरो या जीरो से बड़ी होगी, तो जो ये माइनस कॉस टू थीटा भी लिखा हुआ है ये भी माइनस वन की जगह, माइनस वन से वन की जगह जीरो से वन के बीच में होगा, फिर मैंने क्या करा माइनस वन से वन, जीरो से वन रखा, कॉस टू थीटा की वैल्यू पुट करी, इनइक्वालिटी सॉल्व करी और फिर एंगल कंपेयर करा, ठीक है, थोड़ा सा ये जो फॉर्मेट था इसका, मतलब ये जो दिया हुआ है सी यूनिट वेक्टर, ये थोड़ा सा स्केरी दिया हुआ है, पर उसने ऐसी वैल्यूज दे रखी है कि ए डॉट बी जो है वो जीरो है, ए क्रॉस बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, तो तब भी डॉट जीरो होगा ए के साथ और बी के साथ, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा करो, मतलब देखकर छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, क्लियर अभी सभी को, यस सर, ठीक है, नाइन्थ किस किस का हुआ था, नाइन्थ नाइन्थ नाइन्थ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, नाइन्थ में कह रहा है तीन डिजिट का नंबर बनाओ जिसमें मिडल वाला जो नंबर वन नहीं था, चलो बता देता हूँ, देखो क्या कह रहा है, थ्री डिजिट का एक नंबर बनाना है जिसमें कह रहा है मिडल वाला जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं भाई, वन से नाइन तक जो लगा सकते हैं, वन फोर नाइन, जीरो भी ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, जीरो ले सकते हैं, सर अगर थ्री डिजिट नंबर है तो जीरो आ सकते हैं, पर एंड में बीच थ्री थ्री डिजिट में, एक मिनट, मिडल वाली नंबर, मिडल वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर जीरो हो सकता है ना, बट जीरो कह रहा है, जीरो यूज तो करना ही नहीं है ना भाई, नहीं होगा ना भाई, डिजिट जो गिवन है जीरो ठीक है ले सकते हैं, बट उसने डिजिट ही बोली है वन से नाइन यूज कर रही है, तो जीरो नहीं आएगा ना भाई, ठीक है, क्लियर है, तो सिर्फ वन चलेगा, फोर चलेगा, नाइन चलेगा, फिर यहाँ पर डिजिट लिखनी है, यहाँ पर डिजिट लिखनी है, यहाँ पर डिजिट लिखनी है, सर पर उसने परफेक्ट स्क्वायर के लिए नहीं बोल रहा है वन टू नाइन, या फिर पूरे के लिए बोल रहा है, नहीं वो कह रहा है थ्री डिजिट नंबर लिखना है जिसमें मिडल वाली डिजिट सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नंबर चाहे कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा नंबर भी चलेगा, ऐसा नंबर भी चलेगा, सब चलेंगे, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन मिडल वाली डिजिट कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, नो सर मैं कह रहा हूँ कि अगर परफेक्ट स्क्वायर के लिए नहीं बोल रहा है कि वन टू नाइन होगा, नहीं नहीं देखो क्या कह रहा है, कह रहा है तीन डिजिट का नंबर बनाना है, अब तीन डिजिट का नंबर में मिडल वाली डिजिट भी कह रहा है वन से नाइन वाली लिखनी है, और वो कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तो फिर वन फोर नाइन ही लूंगा ना, जीरो अलाउड नहीं है ना, मतलब सारी जो डिजिट में तीनों डिजिट यूज करूंगा उसमें मिडल वाली डिजिट तो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, और जो बाकी दो डिजिट भी है वो भी कह रहा है इन्हीं में से यूज करना है, समझ में आया, ये क्वेश्चन, ओके क्लियर है, हाँ तो क्वेश्चन को मतलब इंटरप्रेट ढंग से करो, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये कह रहा है तीनों डिजिट जो है वो वन से नाइन ही लेनी है, लेकिन कंडीशन स्पेशली लगाई गई है कि बीच वाली डिजिट कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, रिपीटेशन के बारे में कुछ बोला है क्या, थ्री डिजिट नंबर इन विच द मिडल वन इज द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय ये, कोई इसने रिपीटेशन तो बोला ही नहीं, फिर रिपीटेशन नहीं बोला तो मैंने क्या बोला था, बाय डिफॉल्ट अलाउड अलाउड कर दो भाई, अगर वो मार्क्स काटेंगे तो,
मतलब अगर जो बच्चा बिना उसके करेगा तो शायद उसके मार्क्स काट देंगे। रिपीटेशन अलाउड ध्यान रखना भाई, अगर कभी नहीं लिखा हो क्वेश्चन में दिया ही नहीं हो, बस डिजिट बोलिए ये वाली यूज करनी है, तो फिर रिपीटेशन अलाउड मान लेना अपना। वैसे तो लिख कर देना चाहिए वैसे, मतलब वो देते हैं एग्जाम में ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो और कोई फिर क्लेम ना करे कि हाँ भाई लिखा नहीं था हमने, तो ऐसा अज्यूम कर लिया वैसा अज्यूम कर लिया, दे देते हैं चलो इन्होंने दिया नहीं, बट मान के चलना है अगर नहीं आता तो। तो करना क्या है, नंबर निकालने हैं, क्या निकालना है, अच्छा उनका सम निकालना है, नंबर नंबर निकालने होते तो निकल जाते हैं, इनका तो सम निकालना है भाई। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये कौन सा प्लेस है भाई, टेंथ प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है और ये वंस। ओके तो मुझे बताओ अगर मैं मिडल में वन लिखता हूँ, मिडल में वन लिखता हूँ, कैसे करें इसे स्टार्ट भाई, हंड्रेड प्लेस पर तो कुछ भी आ सकता है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सब चलेगा ना, ठीक है। तो जो मैं ऐसे करता हूँ सारे डिजिट को ऐड करता हूँ, तो हंड्रेड प्लेस वाली डिजिट जो होंगी उन सबको ऐड करूँ तो कैसे होगा, कैसे ऐड करेंगे भाई, हंड्रेड प्लेस में आपका वन भी आ जाएगा, टू भी आ जाएगा, थ्री भी आ जाएगा, फोर सब आएगा, तो यानी कि हंड्रेड टाइम्स वन भी चल जाएगा, टू भी चल जाएगा, थ्री भी, नाइन तक, ठीक है भाई, रिपीटेशन अलाउड है, क्लियर है, यस सर। बताओ भाई, ठीक है, मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ भाई, एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे रखते हैं, जैसे मान लो लिखा होता है 489, तो ऐसे लिखते हैं ना 480+9, ऐसे ऐड कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी नंबर में तीन डिजिट के मानूंगा उनके 100 प्लेस सबके ऐड कर रहा हूँ, फिर सबका 10th प्लेस ऐड करूंगा और फिर सबका यूनिट प्लेस ऐड करूंगा, क्लियर है, यस। क्योंकि अगर मैं रैंडमली ऐड करूंगा तो कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसे तो कोई तरीका होना चाहिए ना। तो ध्यान रखो ऐसे ऐड अगर करना है तो पहले 100 प्लेस सारे ऐड करने, 10th प्लेस वाले ऐड करने और वंस वाले। तो 100 प्लेस जो है वो है तो एक डिजिट पर उसकी वैल्यू जो 100 प्लेस वैल्यू जो होगी वो 100 टाइम्स होगी, इसलिए मैंने 100 कर दिया मल्टीप्लाई। और यहाँ पर क्या क्या आ सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब आ सकता था। अच्छा साथ में क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या भाई, यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखना है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरे तीन ऑप्शन है मेरे पास, वन भी लिख सकता हूँ मैं, फोर भी लिख सकता हूँ और नाइन भी लिख सकता हूँ। तो कितनी डिजिट अवेलेबल है मेरे पास, थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू लास्ट डिजिट जो बची वो कितनी हो सकती है, फिर दोबारा नाइन है ना, यस, क्लियर है सभी को, यस सर, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, बीच वाला जो नंबर है वो 149 तीनों डिजिट में से कुछ भी हो सकता है, लास्ट वाला जो प्लेस है मेरा उसके लिए 9 डिजिट अवेलेबल है, और जो पहला वाला देखो मैंने मतलब करा क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देखो क्या कॉम्प्लिकेटेड क्या है, कई बच्चों को आया नहीं होगा समझ में क्या हो रहा है। 1 2 3 देखो यहाँ पर 149 तीनों डिजिट अवेलेबल है, मैं पहले नंबर बना रहा हूँ, देखो नंबर कितने बनेंगे, ये बनेंगे तीन इंटू में, यहाँ पर 9 में से कोई भी डिजिट आ जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 1 फिक्स कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 1 फिक्स कर दिया और मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इसका 100 प्लेस कितना होगा, 1 ही होगा ना, टोटल नंबर तो 27 होंगे, ऐसे टोटल नंबर कितने होंगे, 27, और 100 प्लेस वाले डिजिट को ऐड कर रहा हूँ तो 2700 हो जाएगा, समझ में आया, ये बात समझ में आई सर, एक बार रिपीट कर दो। देखो पहली वाली डिजिट पे बेटा, मैंने पहली वाली डिजिट पे 1 फिक्स कर दिया, मैं कह रहा हूं मैंने 1 फिक्स कर दिया, और यहां पर 1 4 और 9 में से तीन डिजिट में से कुछ भी ले लूंगा, और यहां पर 9 में से कोई भी डिजिट ले लूंगा, तो मैं कह रहा हूं कि टोटल नंबर कितने बने अगर मैं फर्स्ट प्लेस को 1 रख दूं, तो टोटल नंबर बने मेरे 3 × 9 × 8 कितने बने, 27, ऐसे 27 नंबर बनेंगे 3 डिजिट के जो 1 से स्टार्ट होंगे, बात समझ में आई, यस सर। तो जो 1 से स्टार्ट होंगे ऐसे टोटल 27 नंबर होंगे, और 1 से अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका 100 प्लेस 1 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा ना, समझ में आया नहीं आया, यस ठीक है, मतलब ऐसे होगा ना यार, 1 देखो 1 1 1 9 1 1 2 1 1 ऐसे लिखोगे कितने आएंगे, 27 आएंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे गारंटीड, बाकी चाहे कुछ भी आए, मिडिल वाले का परफेक्ट स्कोर होगा, लास्ट वाले में 1 से 9 कुछ भी होगा, इन सब का 27 नंबर का अगर 100 प्लेस ऐड कर रहे हो, सिर्फ 100 प्लेस, तो 27 तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई 100 प्लेस पर टोटल 27 नंबर बन रहे हैं और 100 प्लेस की वैल्यू 100 होती है, तो 27 तो हो जाएगा। ऐसे फिर मुझे 2 रख कर करना पड़ेगा, 3 रख के करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ, इससे अच्छा क्या करूँ मैं,
मैंने क्या कर दिया भाई, 100 प्लेस वैल्यू आपकी, और जो पहले वाली डिजिट है वो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है 9 तक, उन सबको ऐड कर आप, और 3 × 9 इसलिए करा क्योंकि टोटल 27 नंबर बनेंगे ऐसे, 1 से जो स्टार्ट होंगे 27 होंगे, जो 2 से स्टार्ट होंगे वो भी 27 होंगे, लेकिन उनका प्लेस वैल्यू चेंज हो रहा है वो 200 हो जाएगा, इसलिए 100 से इंटू 2, समझ रहा है? Yes, sir. तो ये हो जाएगा, ये सब ये सारे उन 100 प्लेस वैल्यू का वैल्यू निकल गया, मतलब सब निकल गया। फिर मुझे ऐसे ही करना है 10 प्लेस वैल्यू के लिए, तो 10 वाले के लिए ऐसे होगा प्लस, क्या प्लस करूंगा, प्लस करूंगा क्या 1, 2, अच्छा एक मिनट, 10 वाले के लिए क्या होगा भाई, 10 वाले के लिए हम सिर्फ 10th वाला ले रहे हैं ना, 10th वाले में बीच में, अच्छा अब 10th वाले में मुझे बताओ एक चीज, 10th वाले प्लेस को ऐड कर रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, क्लियर है? क्योंकि 1 के लिए 10 टाइम्स हो जाएगा, 4 के लिए 40 हो जाएगा, और 9 के लिए 90 हो जाएगा 10th प्लेस की वैल्यू। और जो नंबर कितने होंगे ऐसे वो निकाल लेता हूँ कितने होंगे, पहले वाला जो प्लेस है उसको मैं चाहे 9 में से कोई भी डिजिट दे दूं, और सेकंड वाले को भी 9 में से कोई भी डिजिट दे दूं, तो यहाँ पर तो 80 बनाएंगे, बात समझ में? Yes, और वंस प्लेस के लिए क्या होगा, वंस प्लेस के लिए क्या होगा, वंस प्लेस के लिए, वंस प्लेस के लिए भाई बीच में 3 डिजिट अवेलेबल है जो 149 रखनी है, और पहले वाले प्लेस के लिए कितनी है, पहले वाले प्लेस के लिए 9 डिजिट अवेलेबल है, और लास्ट वाला प्लेस क्या बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक, समझ में? इन सबको बेटा क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे तो टोटल सम आ जाएगा, क्लियर है? आया भी सभी को समझ में? Yes, sir. नहीं आया होगा मेरे ख्याल से कई बच्चों को, नहीं आया भाई? Yes, sir. आया 100 प्लेस, 10th प्लेस, यूनिट प्लेस, बेटा सारे डिजिट को मैं ऐड कर रहा हूँ, और कैसे ऐड कर रहा हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने 100 प्लेस पर ऐड कर रहा हूँ 100 प्लेस वालों को, तो 100 प्लेस वाले पहले मैं ये सोचता हूँ कि अगर 1 से स्टार्ट करूँ तो कितने नंबर बनेंगे, तो मैंने दिमाग लगाया अगर 1 से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर 3 डिजिट आ सकती है, यहाँ पर 9, 27 बनेंगे, और इनका 100 प्लेस का सम करेंगे तो 27 हो जाएगा। अच्छा 2 से स्टार्ट करूंगा तो 3 × 9 ये भी, ये कितने होंगे टोटल, 2 से स्टार्ट करा ये भी 27 होंगे, लेकिन इनका जो प्लेस वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि 230 मतलब ऐसे बनेगा 239 में 200 आ गया 100 प्लेस की वैल्यू, तो मैं सारे 100 प्लेस ऐड कर रहा हूँ। अब जब ऐड करूंगा तो आपने नोटिस करा 27 सब में से कॉमन आएगा, 100 सब में से कॉमन आएगा, और क्या बचेगा, और बचेगा ऐसे 1, यहाँ पर 1 है, नेक्स्ट में 2, फिर 3, फिर 9 तक चलेगा, ऐसे चलता है। तो मैंने सारे 100 प्लेस ऐड कर लिए, फिर इसी तरह से 10 वाले ऐड कर लिए, फिर ऐसे 1 वाले ऐड कर लिए, क्लियर है? Yes, sir. तो एक बार 10th प्लेस वीआईपी बताओ, जैसे 100 बताओ, 10th प्लेस देखो, 10th प्लेस देखो, 10th प्लेस वाले ऐड कर रहे हो आप भाई, 10th वाले प्लेस पर आपकी 3 ही डिजिट अवेलेबल है, सिर्फ 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो पहले मैं नंबर निकाल लेता हूं, नंबर निकलेंगे कितने, नंबर निकलेंगे कितने, यहां पर 9 में से कोई भी रखो, यहां पर 9 में से कोई भी रखो, तो भाई कितने होंगे टोटल, 81 होंगे, जो जिनमें मिडिल में 1 आएगा वो 81 होंगे, तो 81 × 10 हो गया। अच्छा फिर यहां पर भी 9, यहां पर भी 9, जिनमें 4 आएगा मिडल में, तो जिनमें 4 आएगा मिडल में वो भी 81 होंगे, लेकिन उनका टोटल सम कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मिडल में 4 है, और फिर यहां पर भी 9, यहां पर भी 9, 81, और मिडल में 9 रखा हुआ है, तो उन सभी को ऐड करोगे तो 9 × 10 हो जाएगा, समझ में आया? Yes, sir, आ गया। तो 10 टाइम्स चल रहा है क्या, 81 और प्लस होएगा 1 + 4 + 9, क्लियर है? Yes, sir. लिख कर ही देखना पड़ेगा थोड़ा सा ये, मतलब लिख कर ही समझ आएगा, पर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं मतलब मेरा ये सोचो एडिशन का तरीका क्या है, क्योंकि एडिशन मैं कर ही नहीं पाऊंगा नहीं तो, क्योंकि इतना सिंपल तो है ही नहीं कि यूनिट प्लेस को ऐड करना और मैं देख कर ही बता दूँ कि इतनी होंगी, मुझे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा, मतलब 100 प्लेस वाले सारे ऐड करने पड़ेंगे, 10th प्लेस वाले सारे ऐड करने पड़ेंगे, यूनिट प्लेस वाले सारे ऐड करने पड़ेंगे, समझ में? और कॉमन ले लेकर ही करना पड़ेगा, 2700 + 5400 ऐसे ऐड करोगे ऐसे नहीं कर पाओगे ऐड, वो देखना पड़ेगा कॉमन क्या है, सीरीज ही बनानी पड़ेगी, समझ में? ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे, ठीक है? कुछ हो सकता है इसमें से कर लो, कर पाओ तो, ठीक है? क्लियर बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। चलो थैंक यू ऑल, थैंक यू, वो चेंज कर देता हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू बेटा।